सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नहो आसुव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। कालवी की पावन धरती हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो क्षत्रिय समाज के महामानव के रूप में जिन्होंने अपनी सेवा इस संस्कृति को बचाने के लिए इस समाज के अस्मिता और इस समाज के गौरव को बचाने का जीवन भर प्रयास करने वाले स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी उनका हमारे बीच में से यूं चला जाना ये समाज के लिए पूर्ण क्षति है। जितने भी युवा साथी सभी लोग यहाँ पधारे हैं दूर दराज से पूरे भारतवर्ष से 36 कौम के लोग यहाँ विराजमान हैं। मुझे लगता है कि कालवी साहब का जाना ये विशेष रूप से मुझे लगता है कि समाज का एक मुखिया सा घर से ये यहाँ से विदा हो जाना है। जैसे कोई घर का मुखिया चला जाता है प्रकार पीछे घर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है समाज का मुखिया इस प्रकार से पर शायद उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती और उनकी तीसरी पीढ़ी के रूप में आदरणीय भवानी सिंह जी और प्रताप सिंह जी मैं ईश्वर से माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि शायद वो संबल वो आत्मविश्वास वो जीवन की एकाग्रता सत्य का प्रतीक लोकेंद्र सिंह जी कालवी शरीर से हमारे बीच में नहीं है बंधुओं पर उनकी आत्मा जरूर हमारे बीच में विद्यमान है। इसलिए हम सभी लोगों को संकल्पित होकर के युवा साथियों से क्षत्रिय समाज से विशेष मेरा निवेदन होगा कि हम सभी लोग उस महापुरुष के जो संकल्प जिसके जीवन का सूत्र था जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं जो अपने बाप का नहीं वो राष्ट्र का नहीं हो सकता है इससे पता लगता है कि उनके भीतर राष्ट्र के प्रति कितनी संभावना कितनी राष्ट्र प्रेम उनके भीतर रहा होगा। ऐसे शख्सियत का जाना हमारे बीच में उसकी पूर्ति नहीं हो सकती परंतु हम इस दुख की घड़ी में संपूर्ण पूरे परिवार के साथ में खड़े हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर है संपूर्ण परिवार का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप चिंता नहीं करें यह संपूर्ण समाज आपके सुख दुख में साथ में खड़ा रहेगा यह हम आपको संकल्प दिलाते हैं। धन्यवाद। आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। पीछे जहां